अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अली रजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। अच्छा, हाइब्रिड आपको ये बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन में होता है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एनर्जी, वो कंबाइन होते हैं और ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो इधर मुझे वो शेर याद आ रहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो क्या होता है कि पहले उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो एक दफ़ा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तो उनकी एनर्जी सेम हो जाती है। ठीक है, अब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की? द हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन एस एंड टू पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू गिव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं वो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन 2pz के पास चला जाएगा, 2px, 2py एंड 2pz। अब ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, 1s एंड 2p। इस हाइब्रिडाइजेशन में 1s पार्टिसिपेट करेगा, 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। 1s एंड 2p के ऑर्बिटल्स, 1s एंड 2p। अब ये किधर जाएगा, ये जो है ना हाइब्रिडाइजेशन की शेप पे जो स्ट्रक्चर है ना उस पर परपेंडिकुलर रहेगा। वो कहते हैं ना कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो ये भी वही काम कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, ये परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब इसके पास चूंकि ये 1s2p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 3 ये, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना पड़ेगा। 3 ये और 3 वो, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी डायग्राम। इसकी डायग्राम जो है ना इस तरह होती है। ठीक है, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। एंगल जो इसमें होता है, एंगल जो होता है ना 120 होता है बिटवीन टू लोब्स। ठीक है, हर टू लोब्स के दरमियान एंगल जो है 120 है। एग्जांपल जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन अल्कीन के लिए, नॉट के अल्काइन के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कंपाउंड्स हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, SO2 है। ठीक है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 शो करता है। अब हम इसकी इथीन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। कार्बन की मैंने कॉन्फ़िगरेशन शो कर दी है। अब फार्मूला क्या है उसका, CH2 इथीन का डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाइड्रोजन का 1s1, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह की। इधर कार्बन है, ठीक है, अब एक कार्बन की यह स्ट्रक्चर होगी, अब दूसरा कार्बन ये इसको इसके साथ, ये कार्बन, ये मैंने कार्बन कार्बन के स्ट्रक्चर बना दी है अब, और ये सिंगल बॉन्ड एक ये भी ड्रा कर दिया। अब रह गए 2 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक इधर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब जो फार्मूला था वो तो मैंने ड्रा कर दिया है, अब कॉन्फ़िगरेशन में देखें कि उसमें कौन सा रह गया ऑर्बिटल जो मतलब ड्रा नहीं हो सका, 2pz जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो क्या है, इधर परपेंडिकुलर आ जाएगा, इधर भी और इसका भी। अब चूंकि 2pz ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है इधर भी और उसका भी, तो वो कार्बन है तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों ऐसे खड़े हैं अकेले अकेले, उनका कोई मतलब कंपनी देने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या, हम एक दूसरे से आपस में ओवरलैप कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं इस तरह ओवरलैप कर लेते हैं आपस में, तो क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड।
ठीक है, ये वाला बॉन्ड बन जाता है पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर थी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथेन की, किस तरह ये एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे डिस्टेंस एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।